हाय गाइस, वेलकम बैक टू उत्तराखंड थर्मल ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के सामने न्यू ब्लॉग के साथ आ गई। तो सुबह के 11:30 बजे हुए हैं, तो मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मेरा फास्ट की है पूर्णमासी का, तो आपको आज मैं एक सरप्राइज देने वाली हूँ और एक अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। देखते हैं क्या है, लेकिन मेरे को पता नहीं है थोड़ा सा कि कुछ आने वाला है। तो आप अनबॉक्सिंग करना और देखना कहीं कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। आपको दिखाएंगे क्या है, कैसा है, तो आप बने वीडियो के साथ। तो आपको आगे का दिखाते हैं। सो गाइस, तो हमारा जो पार्सल वो आ चुका है, तो हमने अमेजोन से मंगा रखा है, तो डिलीवरी बॉय आ गए हैं। तो ये हमारे घर तक अंदर लेके आएंगे और इसको ये फिट भी करेंगे और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये हमारा गिफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज गिफ्ट था। हमको भी पता नहीं था कि क्या आने वाला है, लेकिन पता लग गया इसमें क्या है। इसमें फ्रिज है और साथ साथ में हो रही है इसकी अनबॉक्सिंग। और मैं भी भैया के साथ कुछ हेल्प कर रही हूँ उनकी, क्योंकि ये पूरी छत पर लग गया है इसका कार्डबोर्ड। फिर हमको कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी कि ये कैसे निकलेगा नीचे। तो हमने सोचा यहाँ नहीं निकले तो थोड़ा किचन की साइड को लेके चलेंगे फ्रिज को। किचन की साइड को हम फ्रिज को लेके गए, लेकिन किचन की साइड भी नहीं निकला। तो वो भैया ने चाकू लिया हमसे और इसको अब वो फाड़ देंगे कार्डबोर्ड को, क्योंकि कार्डबोर्ड निकल नहीं रहा हमारा। तो अब उसको फाड़ने की तैयारी हो चुकी है, कुछ इस तरह से भैया इसको फाड़ने लग गए। तो देखते हैं कैसा निकलता है हमारा फ्रिज। तो ये फट चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है। फिर हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से कैसा है। तो ये देखिए पड़ चुका है अनबॉक्सिंग। तो मैं इसको सही से देख रही हूँ कि कहीं से डैमेज ना हो। अगर डैमेज होगा तो हम इसको रिटर्न करेंगे, लेकिन ये कहीं से डैमेज नहीं था, पूरा अच्छा था। तो ये रहा हमारा फ्रिज गिफ्टेड। अगर आपको भी कभी ऐसा गिफ्ट मिला होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कभी आपको भी ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिला है। तो प्राइज गिफ्ट ये था हमारा, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी। तो ये इसका मॉडल कुछ इस तरह से, 1 part, 2 part and 3 part। तो आपको मैं खोल के तो ऐसे दिखाया था, लेकिन फिर भी दिखा देता। ये बीच का पार्टीशन इसका, तो ये कुछ इस तरह से, और ये ऊपर फ्रिज है, और ये नीचे अभी हमने ये निकालने रखा है। तो ये नीचे का हमने खोलने रखा, तो इसलिए खुलेगा नहीं। तो यहाँ हम सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सरप्राइज गिफ्ट। तो अभी हमारे हस्बैंड जी आए थे ऑफिस से, तो मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई। तो कह रहे थे हम दोनों को बर्थडे विश कर रहे थे मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे एक ही डे को आता है, 19 मई को। तो हमारा 9 मई को, मैं भूल गई खुशी के मारे। तो वो बोले थे आप दोनों का गिफ्ट तो ये रहा। तो हमने बोला, तो बोले थे कि ये तो 9 को आने वाला था, तो ये पहले आ गया, तो हमने आपको एडवांस में गिफ्ट दे दिया पहले ही। तो हमको गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन हम इससे मानेंगे नहीं। ये तो फ्रिज है, सभी का गिफ्ट है। आगे दिखाते हैं क्या है। तो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब जो कार्डबोर्ड है उसमें बच्चों की कुछ शरारतें भी मैंने ऐड कर दी हैं। तो उस समय का जो ब्लॉग आयुषी बनाने जा रही है, तो आपको दिखाती हूँ। तो आयुषी क्या कर रही है उस समय उसके अंदर। गाइस, आज एक डाकू आ रहा है, देखो हमारा घर तोड़ने आ रहा है डाकू। हम आपको दिखाते हैं बड़ी नई वीडियो में। सबसे पहले हम आपको और ये रहा वो डाकू, जो हम डाकू मंगल सिंह, जो हमारे घर को बार बार तोड़ने आ रहा है। हम आपको अपना पूरा घर दिखाते हैं। देखो यहाँ से एक गेट है, एमरजेंसी गेट। इस एमरजेंसी गेट को हम ऐसे खोलते हैं, और जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं ना, इतना मज़ा आता है। चलो एंटर करते हैं। देखो इसके अंदर हमारा है बेड, जल्दी वो मॉन्स्टर आ रहा है, मॉन्स्टर आने वाला है जल्दी।
और जब हमें धूप चाहिए होगी वो वाला बटन कहाँ गया जहाँ से हमें धूप चाहिए होती है? हाँ ये रहा वो, नहीं और एक बटन और ये है, ये वाला बटन है जब हमें धूप चाहिए होगी तो हम ऐसे करेंगे और जब हमें छाया चाहिए होगी तो हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। ये कितना मस्त घर है ना, इससे हम ना सजावट भी कर सकते हैं ऐसे, इस जैसे मैंने इस बॉल को यहाँ पर चिपका दिया और उसके बाद इसको भी साथ में चिपका दिया। और ये है मेरा स्लाइम, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। नहीं ये मेरा स्लाइम है, स्लाइम बनाया है तो मैंने एक मड कलर का स्लाइम बनाया, देख सकते हैं ऐसा लग रहा है सेंटा फ्रेश है। अब इसे अपने मुँह में डाल दूंगी, मस्त है। ये देखो ये रहा सेंटा, ये हमारा घर ढूंढने। देखो मैं आपको मॉन्स्टर को इमरजेंसी गेट से दिखाती हूँ। मॉन्स्टर हमारा घर ढूंढ रहा था तो देखो हमारा घर ढूंढ रहा है, हमारा घर टूटने लगा तो मैं तो आराम से लेटी हूँ और हम इस घर को खड़ा हुआ घर भी बना सकते हैं तो लेटने में तो बड़ा ही मज़ा ऐसे लग रहा है। वाओ देखिए मैं पूरी तरह से लेटी हूँ और मैं पीछे के साथ। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।